हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो नमस्ते। मैं हूँ सुष्मिता। मैं इस चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है, देन वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज हम लोग नेविले गॉडर्ट की थ्योरी लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बात करेंगे। लॉ ऑफ अजम्पशन क्या होती है, कैसे उसे यूज़ करना होता है, कैसे उसे अप्लाई करके हम अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। जो नेविले गॉडर्ट थे, उनका मानना ये था कि हम अपने किस्मत के क्रिएटर खुद होते हैं। हमारी किस्मत को हम खुद अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। उसकी पूरी पावर हमारे हाथ में होती है, और वो हम कैसे करते हैं उसी को उन्होंने लॉ ऑफ अजम्पशन में कम्प्लीटली डिटेल्स में समझाया है, और उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ अजम्पशन का सिंपल थ्योरी है अज्यूम। अज्यूम कीजिए कि आपका डिज़ायर ऑलरेडी आपके पास है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने पार्टनर के साथ एक गुड रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना है, अट्रैक्ट करना है। अज्यूम दैट यू ऑलरेडी हैव ए गुड रिलेशनशिप विद हिम। अज्यूम दैट यू ऑलरेडी हैव ए रोमांटिक रिलेशनशिप विद हिम। आपका डिज़ायर है कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अज्यूम दैट यू ऑलरेडी हैव द जॉब। अज्यूम कीजिए कि आपके पास ऑलरेडी आपका डिज़ायर है। सी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम सेम चीज़ करते हैं, बट अलग अलग टेक्निक को अप्लाई करके। यहाँ पे आपको कोई टेक्निक अप्लाई करना नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ आपको अज्यूम करना होता है कि ऑलरेडी ये आपके पास है। सी, अगर आप किसी चीज़ को चाहते हैं और उस चीज़ को आप यूनिवर्स से मांगते हैं, तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा। हमें वो चीज़ नहीं मिलती है जो हम मांगते हैं। यूनिवर्स हमें नहीं देता वो जो हम मांगते हैं। मांगना यानी कि आप वो लैक की वाइब्रेशन, वो कमी की वाइब्रेशन यूनिवर्स को भेज रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको रिटर्न में और ज़्यादा कमियाँ निकालने का मौका दे देगा। आपको करना क्या है, आपको यूनिवर्स को ये बोलना है दैट मैं ऑलरेडी अपनी डिज़ायर को जी रही हूँ, मेरे पास ऑलरेडी वो सब कुछ है जो मैं चाहती हूँ, और तब यूनिवर्स आपको अपने डिज़ायर के और ज़्यादा करीब लेके जाएगा। और इजी तरीके से इसको समझते हैं, मान के चलिए कि ये एक मूवी है और आप अपने मूवी के हीरो या हीरोइन हैं, ठीक है। अब आपको इस मूवी को अपने हिसाब से जीना है। जैसे मूवी में लोग एक्टिंग करते हैं, अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाते हैं, आपको सेम टू सेम अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाना है। कैसे, आपको एक जॉब चाहिए, वो जॉब अगर आपके पास अभी होगा, वो जॉब आपको मिल जाएगा, तो आप कैसे रहेंगे, सेटिस्फाइड, थोड़ा प्राउड, हैप्पी, है ना। आपको वैसे ही खुद को अज्यूम करना है कि एक मूवी चल रही है और इस मूवी में मैं हीरो हूँ, और मेरे पास मेरा डिज़ायर जॉब है, मेरे पास मेरा डिज़ायर कार है, डिज़ायर घर है, डिज़ायर अर्निंग है, और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। वैसे ही एक्ट कीजिए, अपने रियल लाइफ में वैसे ही एक्ट कीजिए, ठीक है, कि सेम टू सेम आप जैसा चाहते हैं वैसा ही सब कुछ है, आप जैसा डिज़ायर कर रहे थे वो सब कुछ आपके पास है, वैसा ही एक्ट कीजिए। अपनी मूवी अपने हाथ से बनाइए, अपनी किस्मत को अपने हाथ से लिखिए, और तभी जाके वो मूवी एक दिन आपकी रियलिटी बन जाएगी। आप एक स्पेसिफिक पर्सन के साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अज्यूम कीजिए ऐसा कि वो पर्सन आपको बहुत प्यार करता है, एंड आप कितने खुश हैं। जब हमें हमारा प्यार मिलता है, हम कैसे होते हैं, खिले खिले, है ना, सुबह उठते हैं खिल खिल के, रात को सोते हैं स्माइल करते हुए। जब हमें प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है, जब हम पैम्पर्ड होते हैं, तो हम कितने खुश रहते हैं, हमारे फेस पे एक अलग स्माइल, एक अलग ग्लो होती है। उस खुशी को फील कीजिए कि ऑलरेडी आपके पास आपका डिज़ायर पार्टनर है, एंड ही लव्स यू सो मच, ही केयर्स फॉर यू सो मच, वो कितना ज़्यादा सोचता है आपके बारे में। ये मूवी है, आप हीरोइन है, वो हीरो है, एंड एक रोमांटिक मूवी है, सब कुछ परफेक्ट है जैसा आप चाहते हैं, वैसे अज्यूम कीजिए। उठते बैठते खाते सोते ऐसे ही फील कीजिए कि एवरीथिंग इज सो गुड, यू आर सो हैप्पी, यू आर सो सेटिस्फाइड। वैसे ही रहना शुरू कर दीजिए, हर एक मोमेंट को वैसे जिए जैसा चाहते हैं।
देखते ही देखते कब वो आपकी रियलिटी बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और यही है लॉ ऑफ अजम्पशन। अज्यूम दैट यू ऑलरेडी हैव एवरीथिंग, यू मैनिफेस्टेड एवरीथिंग। चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करें या चाहे लॉ ऑफ अजम्पशन को, रिजल्ट आपको दोनों में ही तब मिलेगा जब आप अपने आप को एंड अपने लाइफ को वैसे देखना शुरू कर देंगे जैसे आप उसे देखना चाहते हैं, जैसी लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वैसे ही उसे देखना शुरू कर दीजिए कि वो ऑलरेडी आपके पास है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपकी सक्सेस स्टोरी मैं और लोगों तक पहुंचाऊं और लोगों को आपकी सक्सेस स्टोरी से इंस्पिरेशन मिले, तो अपनी सक्सेस स्टोरी मेरे साथ व्हाट्सएप पे या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक आईडी है, वहाँ पे आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हो सकता है आपकी सक्सेस स्टोरी और लोगों को मदद करे उनके डिजायर तक पहुँचने में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी।